हम सब ने हिस्ट्री की किताबों में यही पढ़ा कि ताजमहल जो है वो शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए बनाया। अभी वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने भी किताबों में यही पढ़ा और हमने भी किताबों में यही पढ़ा है। पर आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें किताबों में शाहजहां द्वारा ताजमहल के निर्माण के संबंध में गलत ऐतिहासिक जानकारी को हटाने की मांग की गई है। यानी कि एक शख्स का कहना है कि ये जो किताबों में लिखा गया है ये गलत है, इसको हटाया जाए। शाहजहां ने जो ताजमहल वो अपनी मुमताज के लिए नहीं बनाया था। पूरी खबर मैं आपको बता देता हूँ कि ये एनजीओ हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर मामले में दावा किया गया है कि राजा मानसिंह के महल को और उसके बाद उसी स्थान पर ताजमहल के निर्माण का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। यानी कि ये इतनी बात कहते हैं कि कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि जो किताबों में लिखा गया है कि ताजमहल जो है वो शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए बनाया था। यादव रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 1631 में बने राजा मानसिंह के महल की इन्वेस्टिगेशन करें और अदालत को एक रिपोर्ट जो है वो प्रदान करे। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए और अदालत में इसको जो है वो सबमिट करवाया जाए। इसके अलावा यादव केंद्र सरकार को राजा मानसिंह के महल का सही इतिहास प्रकाशित करने की मांग कर रहे हैं, जिसे कथित तौर पर 1632 से 1638 तक शाहजहां द्वारा रेनोवेट किया गया था। यानी कि ये कह रहे हैं कि इसे रेनोवेट जो है वो उन्होंने किया था, ना कि अपनी मुमताज के लिए यहाँ पर शाहजहां ने यह ताजमहल बनवाया था। यादव का दावा है कि जानकारी अब्दुल हामिद और कंजीवानी द्वारा लिखित पुस्तक पदशाहनामा में पाई जा सकती है। उनका दावा है कि उनका ज्ञान सार्वजनिक रिकॉर्ड आरटीआई एप्लीकेशंस वेबसाइटों और ऐतिहासिक पुस्तकों से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि मैंने हर जगह ये पढ़ा है, हर जगह इसमें जो है वो रिकॉर्ड जो है मैंने एप्लीकेशन या वेबसाइटों में ऐतिहासिक जो है वो पुस्तकों में प्राप्त होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। याचिका में सटीक ऐतिहासिक जानकारी तक लोगों की पहुंच के महत्व पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ताजमहल के निर्माण के संबंध में गलत तथ्यों का गैर प्रकटीकरण का प्रसार संविधान के अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 ए के तहत संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। यानी कि ये साफ तौर पर कहते हैं यहाँ पर कि मैं इस चीज की रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं अदालत से ये कहता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया से एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई जाए, जिसमें इतनी बात स्पष्ट की जाए कि वाकई ये महल जो है क्या शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था। और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जिस तरह से पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है ये सब गलत है। अब आपने और हमने यही पढ़ा, पर ये इतनी बात जो है हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करवा चुके हैं जिसमें ये कहते हैं कि इसका सर्वे करवाया जाए कि वाकई जो पढ़ाया जा रहा है हमारी हिस्ट्री बुक्स में ये सही है ये गलत है। लाल बरे हमारे साथ नई खबर के लिए, नमस्कार।